चढ़ना औखा नहीं हो गया? दिखाओ कैमरामैन। इधर तो पाथियां ही पाथियां हैं, और ऊपर से ये है गुरुद्वारा टाइप बना हुआ, जैसे कि वो उदासी मात भाइयों का जो मंदिर होता है उस टाइप का है। ये देखें, ये हनुमान भगवान की जो प्रतिमा है इधर ये लगी हुई। तो दोस्तों ये देखें, ये जो है ये पीपल का पेड़ है दोस्तों। इस टेंपल के जो है पेंद में निकला है, यहाँ से ईंटों के दरमियान से होता हुआ। ये पुराने दौर की ईंट है, ये देखिए गारे से जोड़ी गई थी, यहाँ से निकला है और वो ऊपर तक जो है ना मंदिर को हिला के रख दिया है, सारे मंदिर को। तो इसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है अनदर व्लॉग में। मैं हूँ मक्खन राम जयपाल। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब पाकिस्तान के बिग सिटी सियालकोट में, और सियालकोट में ये एक छोटा सा विलेज है। सॉरी, सियालकोट का जो बिग सिटी है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है समरियाल, और समरियाल में ये एक विलेज है जी खड़तल, जहाँ पर जो है इंडिया की जो वज़ीर आज़म थी, प्राइम मिनिस्टर, और उसको जो है ना प्रधानमंत्री भी आई थिंक बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो जो थी यहाँ की, उनके यहाँ पे नानियाल थे। तो वो यहाँ पर उनके नानियाल थे, तो यहाँ पर मतलब पार्टीशन से पहले सिख और हिंदू कसीर तादाद में, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्या, बहुत ज़्यादा तादाद में रहते थे। तो चलते हैं उनकी जो बर्थ प्लेस थी उनके ननिहाल की, उनका वहाँ पे एक टेम्पल भी है, हवेली भी है, वो दिखाते हैं। तो बिग रिचेस्ट फैमिली थी मतलब हिंदुओं की, वो इंदिरा गांधी वालों के ननिहाल की। तो चलते हैं, वो आपको जो है ना विज़िट करवाते हैं। ये देखें, ये वही ओल्ड विलेज रहा। मूवी थी तो इंदिरा गांधी आई थिंक प्रधानमंत्री थी इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उनका कहना था कि जो अभी जो है ना, मैं चाय जो है नेक्स्ट चाय या नाश्ता जो है वो इधर अपने नान के ननिहाल में, अपने नानके में जो है ना जाके करूँगी, खड़तल में। तो वो वहाँ से चल पड़े थे, जंग चली हुई थी, तो वहाँ से आगे बढ़ते आए। बट जो बाद में ऐसा मुकाबला हुआ कि वो मे बी उनको वापस भी मुड़ना पड़ा, जो भी हुआ। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मुझे कम मालूम है, लेकिन इतना कहा जाता है कि वो बोलती थी कि चाय जो है मैं अपने ननिहाल में पीऊँगी। तो जस्ट ये है उनका ननिहाल, ये खड़तल विलेज, और मज़ीद जो है चल के आपको हम आगे दिखाते हैं क्या है। धन्यवाद। ये देखिए ये विलेज है, यहाँ पहुँच ली था, वीडियो चलना डे शो ना थी वे के वीडियो बने भी की हाल ताया जी। तो जी मंदिर जो है उत्थे जाना था। मेहरबानी आओ पिछली साइड दे, इधरों लंघ जाइए। बना डे वीडियो बना डे बने भी नहीं। इधरों इधरों क्या माड़ा जहा दिखा गई आ गलियां बखा ना वो ननिहाल दी। हूँ दस हूँ किधर भी जाना, फस के भी जाए हम फिर किसी को पूछ लें। हाँ चल। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं उसी विलेज के जो इंटर में मिड में, जहां पर मतलब हिंदू टेंपल था हमारा सनातन धर्म का, इंदिरा गांधी वाले ननिहाल का। ये उसी विलेज में बिग टेंपल था उस दौर का। तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है वो आपको अंदर से चल के दिखाते हैं, मज़ीद यहाँ पर कुछ जानकारी भी लेते हैं अगर कोई बैठा है। तो ताया जी बैठे हैं ये मेरे लो ख्याल में, मैं उनसे थोड़ा इंट्रो करते हैं और आपको भी दिखाते हैं मज़ीद फिर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट भी लाजमी करना है। तकरीबन इतना शेयर करें कि 1 लाख फॉलोवर तो अभी हो जाए मेरे 2 दिन में, देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, इसके तो फ्रेंड्स चारों ओर हवेली अभी है। कोशिश करते हैं, ये हाँ, देखें उस ये तरफ जो अंदर है से ये वो टेम्पल मंदिर है, रहा, ये तो देखें उसकी बैक साइड में हम जो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले ये टेम्पल यहाँ रहा। का माहौल थोड़ा आपको तो दिखाते हैं। इसके इर्द गिर्द, और चाचू चाचू जी कुछ पता है हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी सी, कुछ थोड़ा बहुत है मैं माड़ा जहा पता हो, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा नहीं, मतलब इन्हें इंदिरा इंदिरा गांधी दे नान के इतने है सी। हाँ हाँ तो हाँ सही एवं है। फिर तो फ्रेंड्स ना चाचू कहता है कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे,
कहते बस लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंदिरा गांधी थी जो उसके ननियाल थे, यहाँ पे छोटा मोटा खेल खेलती ऐसे मतलब आती थी, तो छोटा बचपन इधर गुजरा। लेकिन पता नहीं बहुत सारे व्लॉगर्स के व्लॉग देखे आर्टिफिशियल, जैसे कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो है तो मजीद हम जो है ना आपको दूसरी ओर से जाके 17 को मंदिर दिखा देते हैं प्रयागराज, इस ओर से जो था नेहरू के घर और माता जो थी उनकी कमला नेहरू। ये देखें दोस्तों तो अभी मंदिर वो प्रयागराज में पैदा होते हैं, जो माता कमला थी ये आ गया, उनकी जो माता थी वो कहते हैं कि इसी गांव से थी। और ये भी घर की बहुत सारी हिस्ट्री जो जुड़ी हुई मतलब इधर रियल क्या है, तो मंदिर को जो है इस साइड से जूम कर दिया अलग से। लेकिन हमने एक दोस्त से पूछा तो वो कुछ कहते हैं अभी साइड पे हो गया मंदिर, कहानियां हैं। सो अगर आपको इस और भी बड़े बड़े ये देखें, इधर भी बड़ा सा पीपल का पेड़ है, अभी गाँव ये बहुत बड़ा गाँव है उस तरफ खड़ताल विलेज, और एक मंदिर जो है वो ये है। तो अभी हम इसके ऊपर जाके दिखाते हैं ली जो है, हम उसी मंदिर के अंदर से आपको व्यूज़ दिखाते हैं कि अंदर से किस टाइप का है। ये देखें तो दोस्तों, ये देखें ये जो है ये पीपल का पेड़ है दोस्तों, इस टेंपल के जो है पेंद में निकला है यहाँ से ईंटों के दरमियान से होता हुआ, ये पुराने दौर की ईंट है, ये देखिए गारे से जोड़ी गई थी, यहाँ से निकला है और वो ऊपर तक जो है ना मंदिर को हिला के रख दिया है सारे मंदिर को। तो इसके अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं और आपको जो है अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से क्या इसके मनाजिर हैं। तो आई थिंक मैं पहले ऊपर जाता हूँ, आप थोड़ा सा पीछे होके वीडियो बनाए कैमरामैन, हाउ टू गो, किस तरह गए थे आप, एक मिनट जुराबा उतार देता हूँ। हाँ गल यार इस बार चढ़ना औखा नहीं हो गया, दिखाओ कैमरामैन, कैमरामैन गिव मी योर माई फोन। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली जो है मैं मंदिर के अंदर आ गया हूँ और मंदिर की जो है ना ये दीवारें जो हैं पीपल के जड़ों की वजह से जो है ना ये दीवारें टूट गई हैं, अदरवाइज ये मंदिर टूटने वाला नहीं था। ये देखें प्रतिमा है एक और पर ये प्रतिमा रही, छोटी छोटी पिक्चर्स जो है ना बनाई गई हैं, यहाँ पर कुछ मेन स्थान था, यहाँ पर भी इस और भी और ये भी, देखिए बच्चे इधर आए हुए हैं। तो ऊपर तो कुछ नहीं है, कुछ इस टाइप का है और ये प्रतिमा रही देखें, ये दरमियान में बाबा नानक है और वो जो बाकी जो बाहर बैठे हुए हैं, हाँ बाबा नानक ही लगते हैं दरमियान में बैठे हैं, और बाकी जो बाहर में वो एक मीर था बाबा नानक के साथ, उसका मुझे नाम भूल गया, जो तंदूरा लेके साथ ही पीते थे बाबा नानक के, वो ये देखें ये पिक्चर्स में आ रहे हैं। तो फाइनली आपको अभी बाहर का व्यूज़ यहाँ से दिखाते हैं कि बाहर के क्या व्यू हैं, बाहर जो है मनाजिर हैं यहाँ से, और विलेज देखना है तो इस टाइप का है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था ब्रो, ये फारसी लिखी हुई है, फारसी है नहीं है तो उर्दू ही, चून मुतसल बयाग फसल श्री अकाल बयार शुदा जीनत है ना, ये ख़त्म हो गई है ना लिखी लिखी, रेज हो गई, अगर कंप्लीट होती तो बंदा इजीली पढ़ पाता है ना। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है यहाँ से इस ओर से ये मनाजिर हैं, इधर तो पाथियाँ ही पाथियाँ हैं और ऊपर से ये है गुरुद्वारा टाइप बना हुआ, जैसे कि वो उदासी मात भाइयों का जो मंदिर होता है उस टाइप का है। ये देखें ये हनुमान भगवान की जो प्रतिमा है इधर ये लगी हुई, ऊपर त्रिशूल वो जो होता है धनुष में, और ऊपर भी प्रतिमा पिक्चर्स बनी हुई हैं साइड से, और यहाँ पे मेन जो प्रतिमा बनी हुई है ये देखें हनुमान भगवान की है, ये बनी हुई है। पूरन भाई ये प्रतिमा दिखाई थी आपने, बाकी इस ओर तो ये पीपल का पेड़ रहा बहुत बड़ा है, और सॉरी बोहेर का, वो पूरन भाई नीचे, और ऊपर से देखना है तो टेंपल का ये सीन है, ऊपर से बिल्कुल इस टाइप का है, इस पीपल के पेड़ ने जो है मंदिर का सारा नीचे से ऊपर तक जो है ना
ख़त्म कर दिया बुनियाद भी इसकी, अभी गिरने के काबिल हो चुका है, गिर ना जाए कभी। तो ये देखें ये पाथियाँ वगैरह यहाँ पर बढ़िया बढ़िया पाथियाँ बनाई हुई हैं बहुत। ये सराय, ये कौन सा पेड़ है? तेरा नाम किया गा मुस्तफा है, मुस्तफा वा। अच्छा चलो जी, यहाँ से दो दोस्तों यहाँ से अभी जाने लगे हैं हम वापस नीचे, तो नीचे जाके फिर मंगल भवन मंगल वाह। चलो ठीक है, यहाँ से उतरते हैं नीचे, यहाँ से यहाँ से जाते हैं वापस मंगल भवन मंगल हरी। तो फ्रेंड्स अगेन से हम आ चुके हैं नीचे से, और अभी आपको नीचे से दिखाने वाले हैं कि ये देखें ये पीपल का पेड़ है, और जो कि इस मंदिर की ईंटों में से गुजरता हुआ देखें किस तरह, जैसे कि कुछ पैरासाइट होता है इंसानी ढांचे में चला जाता है इस टाइप का, ये देखें पूरा। और नेक्स्ट उसके बाद हम आ चुके हैं इस ओर, ये मंदिर के नीचे एक सुरंग खोदी गई थी। आपको पता है कि ये सुरंग क्यों खोदी जाती थी? इसका ये रीज़न था कि जैसे पार्टीशन हुई और उसके बाद यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो ये सोचते थे कि हिंदू जो यहाँ पर सोना चांदी छोड़ के गए हैं। जितने भी मंदिर थे आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सोना चांदी पाया जाता था, और अभी भी पाया जाता है। तो इसी वजह से जो यहाँ रहने वाले थे उन लोगों ने मंदिरों की खुदाइयाँ कर करके मंदिरों का तो वैसे हाल बुरा कर दिया कि इसमें जो है अभी कुछ ना कुछ बिग खजाना मिलने वाला है। लेकिन खजाना जो थे हिंदू साथ ले गए, बाकी ये बिल्डिंग्स उनकी यादें यहाँ रह गई थी जो अभी मौजूद हैं, ये देखें। तो फ्रेंड्स हमारा जो था वहाँ पे कुछ मैक इशू भी हो गया था जिसकी वजह से हमें वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, तो देखें यहाँ तक वो कहाँ तक जा रहा है ये पीपल का पेड़। काफ़ी मरतबा तो दो माइक एक मोबाइल से लग गए थे, डबलिंग आ रही थी वॉइस में, और कभी तो क्या के माइक हिल भी जाता था क्योंकि हमें जल्दी थी, इतना दूर से जाना और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। तो फैमिली दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारी मेहनत को आपने रेगा नहीं जाने देना, जितनी आपकी ज़्यादा सपोर्ट होगी इतने हमारे ज़्यादा फॉलोअर होंगे और हमें मेहनत करने का और भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, धन्यवाद, जय श्री राम।